हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर में युवक का अपहरण, हाथ पैर तोड़कर सड़क किनारे फेंका, आरोपी हुए फरार। शहर कोतवाल उमगराज सोनी ने बताया कि मोती सिंह पुत्र चतर सिंह निवासी लक्ष्मी नगर अपने साथी निम सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर राय कॉलोनी रोड से गुजर रहा था। बोलेरो जीप ने उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दोनों सवार नीचे गिर गए। बोलेरो जीप में सवार चार पाँच जनों ने मिलकर मोती सिंह का अपहरण कर उसे बोलेरो में डाल दिया। वाहन को तेज गति से भगाते हुए अपहरणकर्ता गेहूं रोड की तरफ निकल गए। सूचना मिलने पर पुलिस अलर्ट हुई और नाकाबंदी करवाई। अपहरणताओं ने संभवतः शॉर्टकट रास्ते का इस्तेमाल किया। इस दौरान मोती सिंह के साथ जमकर मारपीट की गई। पुलिस अपहृत युवक व आरोपियों की तलाश में जुटी थी कि 6:15 बजे देरासर गांव से सूचना आई कि सड़क किनारे एक युवक गंभीर घायल अवस्था में मिला है। ग्रामीणों के सहयोग से देरासर में प्राथमिक उपचार के बाद युवक को राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर लाया गया। गंभीर मारपीट के बाद अपहर्ताओं ने युवक देरासर के पास सड़क किनारे पटक दिया और फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन वो पुलिस के हाथ नहीं लगे। हाथ पांवों में फ्रैक्चर। देरासर से युवक को बाड़मेर लाने से पहले ही परिजनों व रिश्तेदारों की भीड़ राजकीय चिकित्सालय पर जमा हो गई। यहां पर युवक का उपचार शुरू किया गया। पुलिस उप अधीक्षक आनंद सिंह राजपुरोहित, कोतवाल उमगराज सोनी सहित पुलिस जाप्ता अस्पताल पहुंचा। डिप्टी ने युवक के बयान दर्ज किए। मेडिकल रिपोर्ट में युवक के हाथ पैरों में फ्रैक्चर होने की पुष्टि हुई है। वारदात की वजह प्रेम विवाह बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मोती सिंह ने कुछ माह पहले ही एक युवती से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके चलते युवती के परिजन और रिश्तेदार नाराज थे। मोती सिंह को लगातार धमकियां भी मिल रही थी। 2 दिन से उसकी रेकी चल रही थी। रविवार को बीच बाजार से उसका अपहरण कर लिया गया। आक्रोशित पक्ष पहुंचा कोतवाली। वारदात से आक्रोशित एक पक्ष के लोग रविवार रात कोतवाली थाने पहुंचे और पूरे मामले की FIR दी। उन्होंने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगाया और कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई। आक्रोशित पक्ष ने अपहर्ताओं को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से खास रिपोर्ट।